बहुत बड़ी राय जी, अगर आपके पास है तो GMR एयरपोर्ट, TMB, NMDC स्टील और पराज इंडस्ट्रीज, अगर आपके पास है दोस्त तो जान लीजिए क्या करना है आपको। GMR एयरपोर्ट, TMB और NMDC स्टील, पराज इंडस्ट्रीज, ये सभी के सभी स्टॉक अब शुरू हुआ है, अभी तो कमाई शुरू है दोस्तों। MBA BK सिंह की सबसे ज़बरदस्त राय जानिए इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके पास ये स्टॉक है तो वो आपको मैं बता दूं किस स्टॉक की हम बात करेंगे। इसके अलावा किसके अलावा, ये तो बेचना नहीं है, GMR एयरपोर्ट, TMB, NMDC स्टील, पराज इंडस्ट्रीज, ये लंबे लेस का घोड़ा है, रखने दीजिए, बहुत ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट देगा दोस्तों। और इसके अलावा कौन कौन सा स्टॉक है जो आपको हमारी ज़बरदस्त राय है वो मैं आपको बता दूं। चलिए तो आ जाइए, आपको याद होगा 3 दिन पहले हमने बोला था, 3 दिन पहले हमने बोला था आपको कि किसी भी देश के IT सेक्टर, क्या आपको समझ में आ रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप याद आया और लार्ज कैप, तो आज से शुरू हुआ मिड कैप, कल से शुरू होगा स्मॉल कैप, परसों से शुरू होगा लार्ज कैप। IT स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, IT सेक्टर के स्टॉक, एक भी बेचना नहीं इन इन पिछवाड़े से जो बोलते हैं उनके चक्कर में नहीं रहना और ना ही इनको फॉलो करना, क्योंकि ये सभी के सभी उस स्थिति में बताते हैं जब ये प्राइस जो है लगभग 2% 2.5% ऊपर चला जाता है और फिर बताते हैं ये तो भागने वाला है, ये तो 3 दिन बाद जाने वाला है, और ये अपने क्लाइंट को सेट करते रहते हैं। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ। IT स्टॉक तो आपको मैं बता दिया क्या करना है IT स्टॉक में, अब स्टॉक की भी बात कर लें। एम्फैसिस प्रॉफिट में तो बुक कर निकल जाइए, SCL टेक निकल जाइए बेच करके। और आपको मैं बता दूँ एक स्टॉक हमने बताया था BLS इंटरनेशनल, इसको अपने रडार पर रखिए और अभी थोड़ा सा और रखिए लंबे समय के लिए, ये बड़ा स्टॉक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ वही बता रहे हैं जो आपको बेचना नहीं है जी। हिंडाल्को, यही हमारी राय है, सबसे बड़ी राय हिंडाल्को, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जुपिटर वैगनसार और टाइटन, MRPL, कोपरी और पॉलीकैब जी, पॉलीकैब, दूसरा प्रेसिस्टेंस सिस्टम, प्रॉफिट बुक कर वापस निकल जाइए, रुकना नहीं यहाँ पे। अब आए के दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल, बेचना नहीं है याद रखिएगा, और जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ MM फॉर्गिंग्स, RK फॉर्गिंग्स, MM फॉर्गिंग्स, RK फॉर्गिंग्स और BLW सोना प्रेसिस्टेंस, कैनफिन होम, और इसके बाद
बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, जियो फाइनेंस और सिटी यूनियन बैंक। ये तो हो गया आपको सभी स्टॉक जो आपको वो बता दिए जो कभी बेचना अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दो स्टॉक और हमारे पास बच गया है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कल क्या करना है वो आपको जान ली दोस्तों। तो गुजरात गैस, पेट्रोनेट, एलएनजी अपने रडार पर रख लीजिए और अडानी पावर, अडानी पोर्ट और AWL अडानी विलमार छोड़ना नहीं है। और आपको 5 साल बाद 50,000% का प्रॉफिट चाहिए, 10 साल बाद 1,00,000% का प्रॉफिट चाहिए, 15 साल बाद 1,50,000% का प्रॉफिट चाहिए तो रडार पर रख लीजिए 15 साल तक। उसका नाम है टाटा मोटर जी। और ऐसे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस और धरती पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ईवी सेक्टर में टाटा मोटर का दमखम ज़्यादा नहीं 6 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा। और फिर जैसे कि आपको कमाई कराया एंजल वन 1 साल में 1,00,000 का बना दिया 57 करोड़ रुपया, उसी तरह कई स्टॉक जो हैं जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक है EIH, दूसरा याद रख लीजिए, अब भूलिएगा नहीं दोस्तों, GNFC, GSFC, NFL, RCF, गुजरात अल्काइल और LIC के साथ GIC और NIA। इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप भूलिएगा नहीं, भूलेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी राय है। अगर आपके पास ये सभी स्टॉक जो पिछले आपको इस वीडियो में मैंने लिख कर बताया, एक भी मिस नहीं करना दोस्तों। अब आइए दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपको कल के लिए, कल की कमाई की क्या जुगाड़ है। तो कल कमाई का खजाना, पहला सिर्फ टाटा मोटर और महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज और सिटी यूनियन बैंक। डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ईश्वर से हमें ही कामना करते हैं दोस्तों। और GTL इंफ्रास्ट्रक्चर और MPS इन्फो टेक्निक, ये 70 पैसा का स्टॉक था, 80 पैसा हो गया, ये 40 पैसा का स्टॉक था, 45 पैसा 50 पैसा के ऊपर घूम रहा है। और ये भी जान लीजिए
घूमने के पीछे कारण क्या है। ओरिएंट ग्रीन अगर आपके पास है, ओरिएंट ग्रीन पावर, तो अपने रडार पे रखे रहिए और एसबीआई कार्ड, आपको रोज़ बोलते थे, अभी थोड़ा बीच में नहीं बोल रहे हैं, एसबीआई कार्ड एक स्टोक हमेशा लेकर, एक गोलक समझिए कि एक गोलक है आपका बैंक में, एक एक स्टोक लेकर रखते रहिए। इसलिए कि 700-800 का स्टोक है और ये स्टोक आने वाले समय में आपको क्या बेनिफिट देगा, हम तो जानते हैं दोस्तों, शायद आप भी जान जाएंगे जब ये चलेगा स्टोक। कौन सा स्टोक? एसबीआई कार्ड। जय हिंद। इन्वेस्टमेंट के लिए डिलीवरी में।